हेलो एवरीवन, शैले शिक्षा में आपका स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिल की तरफ से जो आईटीआई और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी आई है उसको डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बेसिल की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, तो पहले हम देख लेते हैं कि बेसिल क्या है। BECIL, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। यह एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत काम करती है। 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मतलब इसका स्थापना जो है 1995 में हुआ था। अब यह किस प्रकार से रिक्रूटमेंट करती है? देखिए, यह क्या करती है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि जिनके पास तो सर्टिफिकेट है लेकिन वो स्किल नहीं रखते हैं, उनके पास कोई स्किल ही नहीं। जैसे किसी के पास, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई तो किया है लेकिन इलेक्ट्रीशियन का वो काम जानता ही नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से काम जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, और जिनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन स्किल नहीं है तो भी वो बेकार हैं। तो ये क्या करता है कि फॉर्म रिक्रूटमेंट निकाल करके ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग दे करके फिर उनको जॉब प्रोवाइड करता है। और जॉब प्रोवाइड जो होता है वो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, प्राइवेट ही रहेंगे लेकिन आप एक रोजगार मतलब आपको मिल जाएगा, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से रिक्रूटमेंट निकाली है। तो देखिए, रिवाइज एडवर्टाइजमेंट फॉर अर्जेंट प्लेसमेंट आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 1679 अप्रॉक्स स्किल्ड या सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड कंट्रेक्चुअल मैन पावर। कंट्रेक्चुअल मैन पावर के लिए वैकेंसी है। इसमें देखिए, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन को 1/4/2021 को है, और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन 20/4/2021 को है। इसका जो सेंटर है वो नोएडा में होने वाला है या इंदौर में, ठीक। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है www.becil.jobs.com पे आप जाके इसको करेंगे। इसमें लिखा 100% गारंटीड प्लेसमेंट एट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन ऑफ विथ एश्योर्ड मिनिमम वेजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एमपी। तो इसका कहने का मतलब कि जब आपका ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको कुछ वर्क दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। तो आप मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप फालतू हो गए, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको काम मिलेगा। देखिए आगे पढ़ते हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बताया है कि यह मिनी रत्न है, तो इसको आपको हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये किस प्रकार से कैसे कैसे स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करती है उसको भी हम बता दिए हैं कि जो स्किल्ड हैं, बगैर सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नहीं है, और सर्टिफिकेट तो है लेकिन स्किल्ड नहीं है, ऐसे लोगों को ये पकड़ करके या सेलेक्ट करके ट्रेनिंग करवाती है। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एंड ऑफ नीड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर्स? तो वहीं जो हमने आपको बताया, इसको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि बेसिक कंसेप्ट पहली वाली जो है, पहला नंबर का बेसिक कंसेप्ट प्लस यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके लिए देखिए, जितने भी ट्रेनिंग होंगे आपके वो होंगे शिवपुरी अगर झबुआ में, जो कि नोएडा में पड़ता है, ठीक। अब देखिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड आर वायरमैन एज ए रिकॉग्नाइज बाई एनसीबीटी आर एससीबीटी आर हायर टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड और विथ सेल प्रोसेस ओवरहेड सर्टिफिकेट फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो आप डिप्लोमा हैं या आईटीआई हैं तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ड्यूरेशन 7 डेज है, 7 डेज की ट्रेनिंग है, और आपका जो कोर्स फी है 6,000 है। अब देखिए, कोर्स फी का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि इसमें आगे हम आपको दिखाएंगे, एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज के अंडर में आप रहेंगे तो आपका ट्रेनिंग फ्री होगा, लेकिन आप जब उस परसेंटेज के नीचे बिलो रहेंगे तो आपको कुछ फीस प्रोवाइड करनी होगी। तो जो आपकी फीस है वो आपके परसेंटेज पर डिपेंड करेगी। तो अगर पहले नंबर की देखें तो 6,000 रहेगी स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के दौरान कोई भी आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ 33/11 kV सब स्टेशन एंड सेफ्टी मेजर्स, सेकेंड वाला जो है, इसके लिए भी वही चीज़ आपको चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। और 15 डेज की ट्रेनिंग है। इसमें आपका अगर आप एक जो फिक्स परसेंटेज है उसके अंडर में नहीं आते हैं तो आपको 11,000 फीस देना होगा। इसमें भी कोई आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। उसी तरह थर्ड नंबर है, वहाँ भी सेम है, वहाँ पर 15,000 आपको फीस देना होगा लेकिन यहाँ पर कुछ स्टाइपेंड मिलेगा। और यह जो ट्रेनिंग है 30 डेज का है। उसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर पर क्या है, 8th पास है एट एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड आर इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशनल विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस प्रीफरेबली इन इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, ठीक ना।
तो देखिए इसका मतलब है क्या है कि बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ 33/11 KV सब स्टेशन, तो यह जितने भी वर्क हैं आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही होगा। तो उसके लिए ये कहा है कि आप कम से कम 8 पास होने चाहिए, और यहाँ पर 30 डेज की ट्रेनिंग रहेगी, 15,000 आपका आपको सैलरी देना, मतलब 15,000 आपको फीस जमा करना होगा, और यहाँ पर भी कुछ स्टाइपेंड मिलेगा। उसी तरह सेमी स्किल्ड, मतलब 12th पास हैं और आपके पास कोई जैसे कंप्यूटर का कोर्स किए हैं, DCA या PG DCA, तो आप सेमी स्किल्ड में माने जाएंगे और आपको भी वहाँ पर ट्रेनिंग करवाया जाएगा, आपका भी ट्रेनिंग होगा। तो इस तरह से 10th पास हैं, मतलब आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप सेमी स्किल्ड में हैं। तो अब आगे देख लेते हैं, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन सेम प्रोफाइल, जो कि सेम प्रोफाइल में वर्क कर रहा है। मतलब मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस कुछ मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा, अगर एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं, द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग बेस्ड एज पर देयर मेरिट लिस्ट एज अंडर। देखिए हमने कहा था ना, अगर 80% आपका मार्क्स आता है तो फ्री ट्रेनिंग ट्रेनिंग रहेगी, 70% आता है तो पेड ट्रेनिंग रहेगी जो कि 6,000 देना होगा, 50% आता है तो पेड ट्रेनिंग रहेगी और 11,000 आपको देना होगा। उसी तरह अगर 35% से आपका मार्क आता है तो आपको 15,000 पेड करना होगा फीस। तो ये आप देख लीजिए, अदर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बैच साइज, ईच ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज स्ट्रेंथ ऑफ 30-40 कैंडिडेट्स। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 30 से 40 कैंडिडेट वहाँ पर रहेंगे। फैकल्टी के बारे में देख लीजिए, ठीक ना, कि BCIL एंड ट्रेंड इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स जो रहेंगे आपको ट्रेंड करेंगे, ट्रेनिंग सेटअप एंड फैसिलिटीज, ये सब आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे। तो आपको हम इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिए हैं कि क्या क्या करना है। देखिए अकाउंटेंट होल्डर्स नेम, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंटेंट अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच एड्रेस। एक इसमें क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन जो फीस है उसको यहाँ पर सबमिट करना होगा आपको। तो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 590 रुपया है, आपको 590 रुपया पे करके इसको पहले फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद जनरल और OBC कैंडिडेट, जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 295 रुपया, और SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री है। ठीक, तो इस तरह से आगे आपको इनके पक्ष, देखिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग जो ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट है आपको इनके पक्ष में फेवर करना है, मतलब इनके नाम पे बनाना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म इज 24/2021, 20 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, द मेन ऑब्जेक्शन ऑफ BCIL फॉर कंडक्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टू डेवलप द कॉम्पिटेंसी स्किल एंड सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब वहीं जो लोग स्किल्ड हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट है लेकिन स्किल्ड नहीं है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो BCIL ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड कोर्स कंटेंट्स, ये कोर्स वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थे हम आपको बता दिए हैं, इसको आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबी वीडियो बनेगी इसलिए हम इसको जल्दी ऊपर कर देते हैं, आप देख लीजिए बस इसको पढ़ लीजिए। ये है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो डिटेल इस पर मोबाइल नंबर वगैरह फ़ोन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लिए, अभी और भी है, तो मेन चीज़ हम आपको बता दिए हैं और इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाना है तो आप इसके साइट पे जाइए, इसकी जो साइट है आपको हम साइट बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर है www.becailjobs.com पे जाकर आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू टू सी दिस वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और वीडियो में विथ अदर नोटिफिकेशन के साथ में। तो ठीक है, चलिए वीडियो कहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।